हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टमक. व्हाट इज़ द एनाटॉमी ऑफ द स्टमक? स्टमक इज़ अ मस्कुलर सैक विद थिक वॉल्स. स्टमक को हम पेट समझते हैं, इसमें खाना जाता है. पर इसके साइंस में, नर्सिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आइए पढ़ते हैं. द स्टमक कंटिन्यूज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन. मैकेनिकल मीन्स ग्राइंडिंग हुआ इसके अंदर, और केमिकल में ये कुछ एंजाइम्स है, HCL है, उनको सेक्रेट करता है और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. तो ये मस्कुलर सैक है, इसकी वॉल्स थिक होती है. जो HCL होती है वो स्टमक की वॉल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है, वो सिर्फ खाने को ही डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, बैक्टीरिया किल करती है. ये रीज़न इसका इसलिए है क्योंकि जो स्टमक की लाइनिंग है वो जो म्यूकस लाइनिंग होती है स्टमक की, जिसके कारण ये खुद को नुकसान नहीं पहुंचाती. व्हाट आर द स्फिंक्टर्स एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो थिक रिंग्स ऑफ मसल दैट एक्ट एज गेट कीपर्स टू रेगुलेट फूड मूवमेंट. एक तो जो है फंडस के पास कार्डियक रीजन में, और एक जो डाउन में है पाइलोरिक रीजन में. तो इसके दो स्फिंक्टर्स होंगे, एक तो इसोफेगस जो एंटर हो रही है, एक वहाँ पर स्फिंक्टर है, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो नीचे है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड अलाउ करेगा. तो ये गेट कीपर्स की तरह काम करते हैं, थिक रिंग्स होती हैं. व्हाट टू स्फिंक्टर्स आर लोकेटेड इन द स्टमक? तो कार्डियक स्फिंक्टर सेपरेट्स ईसोफेगस फ्रॉम स्टमक, एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर सेपरेट्स स्टमक फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्टमक के तीन पार्ट्स हैं, ये फंडस बॉडी और पाइलोरिक रीजन. ऑन द इमेज लेवल द फंडस बॉडी, कार्डियक रीजन एंड पाइलोरिक रीजन आप देख सकते हैं. आगे पढ़ते हैं, हाउ डज मैकेनिकल डाइजेशन अकर इन द स्टमक? स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होगा? द स्टमक हैज़ अ स्लिपरी आउटर लेयर ऑफ सिरोसा. इसकी थ्री लेयर्स है, सिरोसा फॉलोड बाय थ्री लेयर्स ऑफ मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स, ओब्लीक मसल्स. ओब्लीक ऐसे टेढ़ी होती है. ऑन दिस इमेज लेबल द सिरोसा ऑफ ईच ऑफ द थ्री लेयर्स ऑफ मसल, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और ओब्लीक. थ्री लेयर्स होती है सिरोसा की. These muscles help to churn food and propel it towards the small intestine. Churn मतलब mixing में जो grinding करते हैं ना, उस तरह से उसको एकदम मत देती है. The churning process is known as maceration. Churning process को maceration बोलते हैं. ये थोड़ा सा जो chewing का process है वो mouth में हो जाता है, हम teeth से इसको chew करते हैं saliva mix करके, फिर आगे जाके stomach में churn होता है, maceration बोलते हैं इसको. What are the rugae? Wrinkles in the mucosa that can stretch when full. इस तरह से कुछ रिंकल्स हैं, और जैसे जैसे पेट भर रहा है वो वैसे रिंकल्स खुल जाएंगे और वो स्ट्रेच हो जाएगा. तो रिंकल्स इन द म्यूकोसा दैट कैन स्ट्रेच व्हेन फुल. द म्यूकोसा लेयर ऑफ द स्टमक कंटेन्स सेवरल स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स. म्यूकस सेल्स, द म्यूकोसा लेयर ऑफ द स्टमक कंटेन्स सेवरल स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स उनका स्पेशल फंक्शन देखते हैं. म्यूकस सेल्स है, चीफ सेल्स है और पैरिटल सेल्स है. म्यूकस सेल्स का क्या काम है? सेक्रेट म्यूकस टू प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग. ये वही बात जो स्टार्टिंग में मैंने कही थी कि HCL से ये बचाता है. तो ये म्यूकस सेक्रेट करता है और स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. चीफ सेल्स क्या काम करते हैं? सेक्रेट पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम. पेप्सिनोजन को सेक्रेट करता है, लेकिन जो इनएक्टिव होता है बाद में काम करने का ये. और पैरिटल सेल्स काम करती है सेक्रेट HCL टू किल माइक्रोब्स इन फूड एंड कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन. और पेप्सिनोजन को ये एक्टिवेट करेगा पेप्सिन में, विच ब्रेक्स डाउन फूड प्रोटीन्स. तो कभी भी पूछ ले कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, तो उसका आंसर आएगा पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन. आगे चलते हैं. द सूपी मिक्सचर फॉर्म फ्रॉम द स्क्वीजिंग ऑफ द स्टमक एंड द एडिशन ऑफ दीज गैस्ट्रिक जूसेज इज नोन एज काइम. तो काइम क्या होता है? एक सूप प्रकार का मिक्सचर बन जाता है, जो स्क्वीजिंग ऑफ द स्टमक एंड द एडिशन ऑफ दिस गैस्ट्रिक जूसेज इज नोन एज काइम. काइम बन जाएगा वो जो सारा फूड ग्राइंड हो चुका है और इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं. क्या मिक्स हो चुके हैं? ये सारे एंजाइम्स HCL, उसको काइम बोल लेंगे, सूपी मिक्सचर को. अब इसकी समरी में हम देखेंगे. द स्टमक इज मेड ऑफ थ्री मस्कुलर लेयर्स एंड एन आउटर लेयर ऑफ सिरोसा. थ्री मस्कुलर कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और ओब्लीक. ड्यूरिंग मैसरेशन, मैसरेशन मीन्स ग्राइंड करना, द स्टमक चर्न्स द फूड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स एड केमिकल्स एंड एंजाइम्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ काइम. इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या स्टोरी होती है. फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे छोटी छोटी विलीज होती है जो इस फूड को एब्जॉर्ब करेंगी, और इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा वहाँ पर. और जो वेस्ट मटेरियल है वो लॉन्ग इंटेस्टाइन, जिसको कॉलन बोलते हैं, उसमें जाएगा, और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद एक्सपेल हो जाएगा एनस से, रेक्टम से. तो ये स्टडी है आपकी.
मैं आशा करता हूँ आपको स्टमक के बारे में समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।